अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सनियाज एम्ब्रॉयडरी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों का तारकशी का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये 7 बॉक्सेस में भी बन जाएगा, 5 में बन जाएगा। मैं यहाँ पर 7 बॉक्सेस में बना रही हूँ और इसकी दोनों साइड्स पर 1-1 लाइन जो है उसको मैं छोड़ रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं सेकेंड वाली लाइन से इसको स्टार्ट करूँगी। पहले से जो मैंने डिज़ाइन बनाया वहाँ से मैंने 2 बॉक्सेस छोड़ के, तो 3rd बॉक्स से मैंने स्टार्ट करके ये 3 बॉक्सेस जो हैं इनको फिल कर लिया। लंबाई वाली साइड पर ये फिलिंग होगी इसकी। देखिए इस तरह से मैं 3 बॉक्सेस फिल कर लूँगी। दोनों साइड पर मैं लाइन छोड़ रही हूँ। आप चाहें जिसको 5 बॉक्सेस में भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर अब मैं इसको नीचे वाली साइड से मैंने एक इसमें जो है वो ऐड कर दिया और ऊपर से एक इसमें से जो है वो कम कर दिया। तो ये फिर जो है 3 बॉक्सेस फिल हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइन है, इसको हम ट्राउज़र्स के ऊपर भी बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं छोटे बच्चे की प्लेकेट के ऊपर बना रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर इसी तरह से आप स्टेप्स फॉलो किया करें तो आपका बिल्कुल इजीली जो है वो बन जाएगा। अब ये देखिए, ये सेंटर वाली जो लाइन है इसको हम छोड़ देंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम जो हमने पहले बनाया 3 बॉक्सेस, इसके इक्वली हम यहाँ पर भी 3 बॉक्सेस जो हैं उनको फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट में जो है बिल्कुल सेम जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था, फर्स्ट लाइन जो हमने फिल की थी इसी तरह से हम कर लेंगे। देखिए ये ऊपर वाली साइड से मैंने एक इसमें ऐड कर दिया और नीचे वाली साइड से जो है इसमें से कम कर देंगे, तो ये भी हमारे 3 बॉक्सेस ही फिल हो जाएंगे। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसकी फिलिंग के लिए, तारकशी की फिलिंग के लिए, नेट के लिए जो है वो रेगुलर स्टिचिंग वाली जो नलकी होती है, जो धागा कौन होती है, वही मैं यूज़ करती हूँ। मैं इसके लिए कोई स्पेशल जो है वो नहीं यूज़ करती। ये जो है ये ज़्यादा अच्छा रहता है, धागा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप लोग भी ट्राई किया करें कि यही वाला जो थ्रेड है वो यूज़ करें। अब देखिए, यहाँ से हम सेंटर वाले पॉइंट पे आएंगे जो हमने लाइन छोड़ी थी, और वहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ से हम सेंटर में 1 बॉक्स जो है उसको फिल करेंगे। देखिए हमने सेंटर वाली जो छोड़ दी थी लाइन, वहाँ पर हम सेंटर वाले पॉइंट में 1 बॉक्स फिल कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके सेंटर में से नीडल निकाल के तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ये फिर हम 1 बॉक्स छोड़ के तो इससे नेक्स्ट वाले 3 बॉक्सेस जो हैं उनको फिल कर लेंगे। और सेम इसी वे में जो हम पहले जो है वो फिलिंग कर चुके हैं, सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट भी जो है वो कर लेंगे। ये 3 बॉक्स फिल करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 बॉक्स छोड़ा है जो पहले से हम फिलिंग कर चुके हैं वहाँ से, और नेक्स्ट लाइन में जो है ये हम ऊपर से 3 बॉक्स छोड़ देंगे और इस तरह से वो ऊपर से एक हम ये देखिए यहाँ से नीचे वाली साइड से कम करके ऊपर से एक ऐड करके, तो ये हमारे 3 बॉक्सेस बन जाएंगे। इसी तरह से ही हम दूसरी साइड पर भी इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा जो है ये रेडी हो गया। अब हम सेंटर वाली जो है ये बॉक्स बनाएंगे। ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं, मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। इस डिज़ाइन में हम ये देखिए, यहाँ पर भी हमने इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए 2 बॉक्सेस ही छोड़े हैं। ये देखिए 2 बॉक्सेस का गैप है और 3rd वाले बॉक्स में हम 1 बॉक्स हमने फिल किया है। 1 बॉक्स के बाद 3 बॉक्सेस फिल करेंगे, दोनों साइड से 1-1 बॉक्स जो है इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे जो हैं 3 बॉक्सेस फिल हो जाएंगे।
बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं वाइट के ऊपर बना रही हूँ और वाइट के ऊपर जो है वो एज यूजल ज़्यादा ग्रेस आती है जब भी हम तारकशी करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो सेंटर वाले पॉइंट में जब हम आएंगे, जब हम अपनी फोर्थ वाली लाइन में आएंगे, तो यहाँ पर हम टू बॉक्सेस फिल करेंगे। ऊपर से एक ऐड करेंगे ना, ये देखिए नीचे वाली साइड से एक हमने इसमें ऐड कर लिया और नीचे से सेम रख के ये हमने टू बॉक्सेस फिल कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में अपनी नीडल को लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम थ्री बॉक्सेस जो हैं उनको फिल करेंगे। यहाँ पर भी हम अपने थ्री बॉक्सेस फिल कर लेंगे जिस तरह से हमने दूसरी साइड पर किए हैं। और यहाँ से ही हम सेंटर वाले पॉइंट में ले जाएंगे दोबारा से नीडल यहाँ लाने से। ये देखिए ये हम अपने सेंटर वाले पॉइंट में ले जाएंगे। यहाँ पर हम वन बॉक्स छोड़ के फिर टू बॉक्सेस नीचे जो हैं वो फिल करेंगे, जैसे हमने पहले भी टू बॉक्सेस फिल किए हैं। और सेंटर वाला पॉइंट जो है वन बॉक्स छोड़ के फिर नीचे भी टू बॉक्सेस ही फिल कर लेंगे। तो मैंने इसी तरह से इसको पहले कवर कर लिया और फिर वो जो थ्री बॉक्स फिल कर रही थी उनको बाद में जो है वो कम्प्लीट कर लिया। यहाँ से ही हम दोबारा से अपनी थ्री बॉक्सेस वाली लाइन में चले जाएंगे जहाँ पर हम थ्री बॉक्सेस फिल कर लेते। तो यहाँ पर हम ये अपने थ्री बॉक्सेस फिल कर लेंगे। और नेक्स्ट में हम सेंटर वाला जो वन बॉक्स है उसको फिल कर लेंगे। और आप लोग ट्राई किया करें कि जब भी आप तारकशी का डिज़ाइन बना रहे हों तो नीचे वाली साइड से अपनी बैक साइड से अपने जो डिज़ाइन आप शर्ट बना रहे हो कुछ भी बना रहे हैं उसकी बैक साइड से आप अपने थ्रेड को कवर करें। वो अच्छे तरीके से कवर करके आप नेक्स्ट में जाइएगा तो इस तरह से बहुत ही नीटनेस आती है और वैसे भी आपका जो है वो अच्छा मजबूत जो है वो बन जाता है। इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करके तो इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर